सबसे पहले बात मैं शो की बात कहूँगा कि डांस दीवाने जो ये शो कलर्स चैनल पे आने वाला है बहुत एक यूनिक डांस शो है जहाँ पर आप जैसा कि आप प्रोमोज में ऑलरेडी सुन चुके हैं और देख चुके हैं कि ये तीन जेनरेशन्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है आके एक ही मंच पे परफॉर्म करने का। जो हमारे ऑडिशंस का दौर अभी शुरू हो गया है वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी लोग आके हमें बोल चुके हैं कि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी डांसिंग की या पर्दे पे आके डांसिंग दिखाने की, क्योंकि काफ़ी शोज़ में एक एज लिमिट होता है जिसके बाद आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आई थिंक जो सबसे यूनिक चीज़ डांस दीवाने ने किया है कि उन्होंने हर एक को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी है। आपके 3 साल के बच्चे से ले कर 70 साल के लोग भी आके परफॉर्म कर रहे हैं और अपना जलवा दिखा रहे हैं। तो आई थिंक ये सबसे एक यूनिक फॉर्मेट है डांस दीवाने का। मैं डांस का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी फिल्मों में वो बात दिखी जाती है। जिस हिसाब से मैं गानों को डायरेक्ट करता हूँ या सिलेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत अमेजिंग लगता है जो हमारा कल्चर है ऑफ डांसिंग, ऑफ गेटिंग डांसर्स विद द एक्टर। तो मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ डांस का, मैं बचपन से डांस करते आया हूँ, शादियों में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी किया है। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल सकता था या जुड़ने का या अपना डेब्यू करने का। और रही बात किस डायरेक्शन में मैं आ गया हूँ, तो हमारे जो मेंटर हैं वो तो है ही करण जौहर, तो उनके ही पदचिन्हों में थोड़ा थोड़ा चल रहा हूँ और देखिए कहाँ तक पहुँचता हूँ। जी सबसे पहली बात वो मेरे साथ नहीं दिखती है, मैं शायद उनके साथ थोड़ा बहुत दिख जाऊँ यही थोड़ी उम्मीद है। और नर्वसनेस बिल्कुल नहीं है उनके साथ आई थिंक, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी वैसी है, वो बहुत वार्म है, वो बहुत प्यार से डील करती हैं, बहुत सिंपली डील करती हैं। वो इनफैक्ट हमें कभी याद नहीं दिला रही हैं कि उनका कितना एक्सपीरियंस है और वो माधुरी दीक्षित हैं। वो इनफैक्ट एक बहुत सिंपल, आई वुड ऑलमोस्ट से लाइक अ लिटिल गर्ल, शी हैज़ कम ऑन द सेट ऑलमोस्ट सेइंग कि मुझे कुछ नहीं आता। वो तो जब कंटेस्टेंट सामने आते हैं तब हमें लगता है कि यार हम एक लेजेंड के साथ बैठे हैं, क्योंकि उनकी दीवानगी जो है इस देश में वो पागलपन के भी हद से ज़्यादा है। तो आई थिंक मोर देन नर्वसनेस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सीखने मिल रहा है उनसे। कहीं ना कहीं एज अ जज मैं कुछ चीज़ें शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उनके एक्सपीरियंस है, वो उन्होंने इस इंडस्ट्री को बदलते हुए देखा है और उन्होंने सर्वाइव किया है, और वो आज भी इतनी डिग्निटी से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। तो आई थिंक मैं वो सब चीज़ें उनसे सीख रहा हूँ, और होपफुली इस शो के बाद जैसा कि कहता है आई विल बी एनरिच्ड, मैं कुछ सीख के ही जाऊँगा। आई होप आपने जो कहा उसमें आपके मुंह में जैसे कहते हैं ना घी शक्कर हो, मेरी तो वही उम्मीद है लाइफ में। आई एम गोइंग टू ट्राई माय बेस्ट कि एक स्क्रिप्ट लिखूं जिनमें वो हाँ कह दे मुझे, और अगर नहीं हाँ किया तो मैं आके आपका गला पकड़ूंगा, क्योंकि आपने ये आइडिया दिया है मुझे। मैं उनसे सबसे यही कहूँगा कि एक बहुत यूनिक शो आप देखने जा रहे हैं जहाँ पर सिर्फ टेक्निक और सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, एक डांस का फ्लेयर, एक दीवानगी, जिस हिसाब से कभी कभी गोविंदा डांस करते थे और हमें देख के मज़ा आता था, वैसा डांस शो हम आपके पास लेके आ रहे हैं। आप उसे देखिए, उसे इन्जॉय कीजिए, और वही हमारा सबसे बड़ा मोटिव और मुद्दा है। जी ऑनेस्टली मुझे हर काइंड का डांस पसंद है, बट सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ैन मैं हूँ बॉलीवुड डांसिंग का। चीची भैया का फ़ैन हूँ, ऋतिक रोशन का फ़ैन हूँ, रणबीर कपूर का फ़ैन हूँ, वरुण धवन का फ़ैन हूँ, रणवीर सिंह का फ़ैन हूँ, अमिताभ बच्चन का फ़ैन हूँ, मैं इन सब का फ़ैन हूँ। और मुझे सबसे अच्छी जो बात लगती है हमारे सिनेमा की वो है बॉलीवुड डांसिंग, कि कभी कभी तो कोई सीन में सर पैर नहीं होता है पर गाना शुरू हो जाता है, और मैं उसका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। मैं वही सिनेमा देख के पला बड़ा हूँ, और वही डांसिंग मुझे सबसे ज़्यादा लुभाती है और सबसे ज़्यादा पसंद आती है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। हाँ जी, विजुअल विजुअल।
हो गया, चलो थैंक यू। वेल आई एम रियली थैंकफुल टू कलर्स फॉर गिविंग मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे एज अ जज शेयर करने का पैनल माधुरी मैम के साथ और शशांक के साथ। एंड दे बोथ मैंने काम किया माधुरी मैम के साथ पहले भी और शशांक के साथ पहले भी। माधुरी मैम ने मुझे डांस करते हुए देखा है 2 साल व्हेन आई वाज अ कंटेस्टेंट इन झलक। सो द जर्नी हैज़ बीन रियली गुड फॉर मी एंड बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो नाउ। वेल जो जर्नी मैंने जैसे बोला कि जर्नी जो रही है बहुत इनक्रेडिबल रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई स्टार्टेड एज अ कंटेस्टेंट इन इंडियाज गॉट टैलेंट, आई वॉज अ कोरियोग्राफर इन झलक दिखला जा, देन मैंने स्टेज डायरेक्ट किया इंडियाज गॉट टैलेंट, देन आई वेंट इन टू मूवीज एंड जब कलर्स ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटिफुल शो, बिकॉज द फॉर्मैट ऑफ द शो इज द बेस्ट थिंग अबाउट द शो इज़ फॉर्मैट। 3 जनरेशन एक साथ डांस कर रही हैं, पहली बार हो रहा है, कभी किसी शो में नहीं हुआ। अभी आप कितने भी शो देखेंगे आपको दिखेगा कि तो किड्स परफॉर्म कर रहे हैं या फिर एडल्ट्स या फिर यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पे कोई एज ब्रैकेट नहीं है, एज लिमिट नहीं है। हम बोलते हैं कि एज इज़ ऐसा नंबर, हम बोलते हैं कि डांस की कोई उम्र नहीं होती, वो हम इस शो के साथ प्रूव कर रहे हैं। मानी जाती नहीं वो हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि उन्होंने मुझे देखा है परफॉर्म करते हुए और मैंने उनके साथ भी परफॉर्म किया, उनको कोरियोग्राफ भी किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सिटिंग उनके साथ बैठा हूँ और मैं कमेंट कर रहा हूँ और उनको देख के उनकी इंटरेक्शन सुन के मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो 3 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे बात करके, बहुत सारी नॉलेज मैं चाह रहा हूँ कि जितनी नॉलेज मुझे मिल सकती है उनसे तो मैं उनसे नॉलेज ले लूँ। एंड द वे शी डांस जैसे वो डांस करते हैं आई डोंट थिंक कोई और कर सकता है। वेल हम लोग किड्स को बहुत बार परफॉर्म करते देख चुके हैं, यंगस्टर्स को भी, बट जो हमारे 3rd जनरेशन है उन्होंने मुझे बहुत हैरान किया, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया। द काइंड ऑफ टैलेंट दैट दे हैव, उनका टैलेंट बहुत अच्छा था। इवन द पैशन, उनका जो पैशन, हमारे शो का मोटो है पैशन, दीवानगी जो हम ढूंढ रहे हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा थी। तो वी एक्चुअली मी माधुरी मैं शशांक वी ऑलवेज सरप्राइज एंड शॉक्ड कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यू वोंट बिलीव के 78 ईयर्स के कंटेस्टेंट आके परफॉर्म करके गए हैं स्टेज पे, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, आई थिंक ऐसा कोई टीम नहीं है इसके अंदर, वी जस्ट जजिंग द होल शो एंड 3 जनरेशन को हम सपोर्ट कर रहे हैं, 3 जनरेशन के टैलेंट ढूंढ रहे हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि जिस तरह का हमें टैलेंट मिला है 3 दिन में, जिस तरह का हमें लोग देखने को मिले हैं, स्टोरीज देखने को मिली हैं, वी आर वेरी 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 हैप्पी। मैं फैंस को सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, चाहे मैं झलक कर रहा था या मैं IGT कर रहा था या मैं मूवीज कोरियोग्राफ कर रहा था, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू प्लीज़ कम आउट एंड जस्ट वॉच दिस शो बिकॉज दे समथिंग यूनिक, बहुत ही यूनिक शो है। 3 जनरेशन पहली बार आके परफॉर्म कर रही हैं और यू गोना सी सम ग्रेट डांसिंग। इट्स नॉट दैट वी गोना कॉम्प्रोमाइज ऑन द डांसिंग लेवल इज़ अप देयर एंड द पैशन इज ऑल्सो देयर। सो प्लीज़ कम आउट एंड वॉच ऑन कलर्स एवरी सैटरडे संडे एट 9। थैंक यू सो मच।
कृष्णा भाई ऑक्स निकाल दो, कृष्णा भाई ऑक्स निकाल दो, क्यों मर रहे यार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डांस दीवाना होस्ट करने के लिए। पहले मैं एक कंटेस्टेंट रह चुका हूँ एक डांस रियलिटी शो पर जो कलर्स पर ही था झलक, और अब मैं होस्ट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि उसके कई कारण हैं। मुझे लगता है कि मैं एक डांस दीवाना हूँ, मैं शायद हर स्टेप करेक्टली नहीं करता हूँगा लेकिन डांस करता हूँ, दिल से करता हूँ, दीवाने की तरह करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस करना। और एक डांस शो होस्ट करना यू नो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। पहली बार मैं टीवी पर एज अ होस्ट ए फुल फ्लेज्ड रियलिटी शो होस्ट कर रहा हूँ, तो मैं लोगों का सपोर्ट चाहूँगा, उनका प्यार चाहूँगा। और आई एम रियली ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट द शो इज़ बिकॉज माधुरी जी हैं शो में और हम सब की वो धक धक गर्ल हैं। और मैं बचपन से मुझे सिर्फ एक ही एक्ट्रेस, दो ही एक्ट्रेसेस एक्चुअली पता थी, एक थी माधुरी जी और एक थी श्रीदेवी जी। और मैं दोनों के साथ ही काम करना चाह रहा था एंड यू नो शायद भगवान ने मेरी सुन ली। एंड मोनी ने उनके साथ काम किया था तो मोनी हमेशा बताती थी कि वो कितनी अच्छी हैं, तो मैं उसको हमेशा बोलता था यार मुझे भी उनके साथ काम करना है। और शायद तभी भगवान ने कहा ततास्तु और मैं आज डांस दीवाने कर रहा हूँ। वो जज हैं और जब मैं स्टेज पे आता हूँ ना तो वो बिल्कुल एकदम सेंटर में बैठती है, एकदम मेरे सामने होती है। आई थिंक यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग मोर व्हेन यू होस्टिंग अ डांस शो कि डांसिंग दीवा माधुरी जी एकदम आपके सामने बैठी होती है और स्माइल कर रही होती है। हाँ, शो की खास बात यह है कि इस शो में तीन जनरेशन्स हैं, यानी कि बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं और बड़े भी हैं, जो तीनों का एक एक ग्रुप होगा वो कम्पीट करेंगे। तीनों ग्रुप्स में से एक एक विनर होगा और फिर वो तीन फाइनली कम्पीट करेंगे टू बिकम द अल्टीमेट डांस दीवाना। तो हमें सारे जनरेशन्स जो हैं, तीनों जनरेशन्स की दीवानगी देखने को मिलेगी। और मैंने ऑडिशन राउंड्स में देखा है कि वी हैव गॉट सम अमेजिंग कंटेस्टेंट्स, बहुत ही सबकी कहानियाँ भी अमेजिंग है, जो उनकी स्टोरीज़ हैं और डांस के लिए उनकी जो दीवानगी है, वो क्यों डांस दीवाना बनना चाहते हैं, जब आप लोग एपिसोड्स के थ्रू उसे देखेंगे तो वाकई में आपके वो कहानियाँ आपके दिल को छुएंगी। एंटरटेनिंग तो होगा ही क्योंकि इसमें डांस है। हमारा जो जजेस का पैनल है, तुषार कालिया एज कोरियोग्राफर, माधुरी जी एंड शशांक जो बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं,
बद्रीनाथ की दुल्हनिया और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और उनकी मूवी आ रही है धड़क. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो और मैं चाहता हूँ कि आप सब जो मीडिया वाले हैं वो हमें सपोर्ट करें और जो लोग देखने वाले हैं ये शो वो तो मैं श्योर हूँ कि उनको शो से प्यार हो जाएगा क्योंकि टफ कंपटीशन है और तीनों जनरेशन्स एक साथ है. ये पहली बार ऐसा किसी डांस रियलिटी शो पे हो रहा है कि तीन जनरेशन्स एक साथ आ रहे हैं. सो प्लीज़ देखना ना भूलिएगा डांस दीवाने ओनली ऑन कलर्स 2 जून से आ रहा है सैटरडे संडे 9 PM. थैंक यू. कौन पूछ रहा है क्वेश्चन प्लीज सर. डांस के लिए प्रोमो के लिए हाँ तो डांस दीवाने में एक खासियत ये है इसकी कि पहली बार रियलिटी शो में कोई एज लिमिट नहीं है. मतलब आप किसी भी एज के हो सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें तीन जनरेशन्स कम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ, यंगस्टर्स, यूथ और एडल्ट्स. और तीनों जनरेशन में हमें बहुत ही बेहतरीन डांसर्स मिले हैं तो लोग वो देख ही लेंगे. अभी थोड़ा लाउड जी. हाँ, रेस 3 के प्रमोशन के लिए सलमान खान, अनिल जी और उनका पूरा जो स्टार कास्ट है वो आया था और बहुत मज़ा की उन्होंने. सलमान जी तो कुछ स्पेशल मूड में थे तो हर पार्टिसिपेंट के साथ डांस भी कर रहे थे वो. और अनिल जी और उनमें कंपटीशन फिर छिड़ गई कि कौन ज़्यादा एक्टिव है और कौन ज़्यादा एनर्जेटिक है. तो बहुत मज़ा आया. कौन सा ट्रेलर? रेस 3 बहुत ही धमाकेदार ट्रेलर है. मतलब गाड़ियाँ उड़ रही है और ऐसा लग रहा है, बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है. वो खुद को कहते ही हैं बॉडीगार्ड. बोलते मैम हम लोग तो आपके बॉडीगार्ड हैं, हम एक 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 तरफ बैठा हुआ है एक दूसरी तरफ. लेकिन जोक्स अपार्ट, तुषार बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, झलक में भी रह चुके हैं, टॉप 3 में थे हमेशा कोरियोग्राफी में और अब फिल्म्स भी कर रहे हैं कोरियोग्राफर. और शशांक तो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, दोनों फिल्म्स उनकी बहुत चली और बहुत अच्छी बनाई थी. खुद डांसर रह चुके हैं, डांस सिखा भी चुके हैं तो उन्हें भी सेंस ऑफ डांस है, पिक्चराइजेशन है तो कॉन्सेप्ट्स ये सब. तो बहुत मज़ा आने वाली है जब हम तीनों दीवाने इन सब दीवानों को जज करेंगे. वैसे वही कहा मैंने, जब झलक में वो जज कर कोरियोग्राफर थे और हम जज करते थे तो उनकी जो आर्ट है, उनकी जो कोरियोग्राफी है बहुत ही बेहतरीन रहती थी हमेशा. तो वो करेक्ट पर्सन है जो एज अ कोरियोग्राफर एडवाइस दे सके जो आते हैं कंटेस्टेंट्स कोरियोग्राफी के बारे में या उनके टेक्निक के बारे में. तो ही इज़ द राइट पर्सन. देखिए आई वॉज वेरी सरप्राइज जब एडल्ट जनरेशन में भी इतने अच्छे अच्छे डांसर्स मिले हम लोगों को जो यंगस्टर्स के जनरेशन को टक्कर दे सकते हैं. यूथ तो फॉरगेट द यूथ, यंगस्टर्स को भी दे सकते हैं. तो बहुत टक्कर की कॉम्पिटिशन रहने वाली है ये. वेल हाँ, सब आए थे और बहुत मज़ा आया क्योंकि वरुण, आलिया ये सब आए बकेट लिस्ट देखने के लिए. पिक्चर लोगों को पसंद आ रही है सो होपफुली जब कल रिलीज़ होगी तो ऑडियंस को भी पसंद आए. बस देखते हैं जब थिएटर में रिलीज़ होगी तभी रियल टेस्ट है. वेल यही कहना चाहूँगी कि डांस दीवाने आप ज़रूर देखना क्योंकि सैटरडेज़ और संडेज़ को 9 बजे आएगा कलर्स पे. तो जब आप डिनर वगैरह कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि घर पे भी कंपटीशन शुरू हो जाएगी. दादा दादी कहेंगे नहीं हमारी जनरेशन, बच्चे कहेंगे नहीं हमारी और पेरेंट्स बोलेंगे नहीं हमारी जनरेशन विन करने वाली है. तो बहुत खूब कंपटीशन सिर्फ टीवी पे नहीं घर में भी होने वाली है. ये अनोली ड्रेस डिज़ाइनर, क्या नाम है उनका, अनोली. सब नए बच्चे हैं सब जो बना रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस बना रहे हैं इन लोग. और लोग आपको पसंद आया ये तो बहुत बड़ी और अच्छी बात है. बटन जो अगर प्ले दिया तो मतलब नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, पॉज दिया तो मतलब हम अभी भी सोच रहे हैं और रिवाइंड मतलब हम कहेंगे कि आप डांस दीवानगी तो आपकी देखी हमने लेकिन आपका जो डांस है उस पर थोड़ा और काम करके आप एक साल लीजिए और नेक्स्ट ईयर फिर से वापस आइए.
और माधुमैम अभी हम लोगों ने देखा रेणुका जी के साथ में आपका जो डांस आप लोगों ने जो किया था वो बहुत वायरल हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया, तो क्या वो दीवानगी वाला ही डांस था? वो याद ताज़ा हुई? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि फ्लैशबैक हो गया, हम आपके हैं कौन के दौरान हमने गाना किया था और सेट पे यूं ही बैठे थे तो किसी ने प्ले कर दिया वो गाना और पता नहीं स्पॉन्टेनियसली हम सभी डांस करने लगे जी। इन्होंने पिक्चराइज हम दोनों को ही किया, लेकिन अगर आप उस तरफ देखते कैमरा के तो सब लोग डांस कर रहे थे, तो बहुत मज़ा आया, एक नॉस्टैल्जिया था। नहीं ऐसा कोई पर्सनल जॉनर नहीं है, क्योंकि मैं तो चाहूँगी बेस्ट जो डांसर है वो विन करे, और आप बहुत सरप्राइज होंगे कि एडल्ट जनरेशन में हमें कितने अच्छे अच्छे डांसर्स मिले हैं, बच्चे तो करते ही अच्छा है, और यूथ में स्पेशली क्लासिकल डांस वाले बहुत मिले इस बार, तो आई वाज वेरी सरप्राइज एंड हैप्पी अबाउट दैट। मालूम है शिद्दत में भी आपने स्टेप किया है, श्रीदेवी के किरदार कलंक अभी नाम है उसका, अब कलंक है उसका नाम, तो मैम वो थोड़ा सा बताएं उसके बारे में भी कुछ। और कलंक के बारे में हम बात करेंगे जब कलंक रिलीज पे आएगी। वो आई डोंट नो अबाउट दैट, तुझे मुझे मालूम पड़ेगा तो मालूम। नहीं जजिंग पैटर्न तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि चाहे वो सेलिब्रिटी हो अगर ठीक से डांस नहीं करेंगे तो आगे नहीं जाएंगे, यहाँ पे भी कॉमन मैन भी हो अगर वो ठीक से डांस नहीं कर पाए तो आगे नहीं जाएंगे, तो ऐसे डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है कि इस छोटे छोटे टाउन से हमें इतना अच्छा अच्छा टैलेंट मिला है, तो मैं चाहूँगी कि मे द बेस्ट पर्सन विन। मैम लास्टली वो मैम थैंक यू, वी आर डन, थैंक यू गाइस, थैंक यू। वो थोड़ा सा अगर बता पाए, डन नाउ, मैं जरूर बताऊंगी कलंक का जब हम टूर्स रिलीज आएंगे तो मैं जरूर बताऊंगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू।